हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारे गार्डन में लैंडस्केपिंग पर्पस के लिए ग्रो किया जाने वाला एक सुंदर पौधा, जिसे कॉमनली सभी जगह गोल्डन बॉटल ब्रश या फिर टपोरी प्लांट के नाम से जाना जाता है, उस पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हवा में जिस पौधे की नाजुक शाखाएं झंडे की तरह लहराती है, वह यह गोल्डन बॉटल बुश का सुंदर पेड़ है। इस पेड़ का सुंदर सुनहरा पर्ण समूह और बॉटल को साफ करने वाले ब्रश की तरह इनके फूलों और पत्तियों की सिमिलरिटी के कारण इस पौधे को गोल्डन बॉटल ब्रश यह नाम मिला है। दोस्तों, इस पेड़ का साइंटिफिक नेम मेलेलुका ब्रैक्टेटा है और मायरटेसी परिवार में इनकी लगभग 280 से 300 अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती है। और साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को कॉमनली गोल्डन बॉटल ब्रश, गोल्डन क्रिस्ट, गोल्डन बॉटल बुश, ब्लैक टी ट्री, गोल्डन टी ट्री, हनी मार्टल, मॉक अलॉय ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। मूल रूप से यह पौधे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक जल स्रोतों के पास, जैसे नदी नालों के पास पड़ते पाए जाते हैं। ज़्यादातर खुले जंगल और ऑस्ट्रेलिया का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया इनका प्राकृतिक आवास है। साथ में सिमिलरिटी में यह पौधे थोड़े से गोल्डन साइप्रस पौधे के जैसे दिखने के कारण बिगिनर्स थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन दोनों का फॉलेज पैटर्न काफ़ी अलग अलग है। इस गोल्डन बॉटल ब्रश की पत्तियाँ इस तरह काफ़ी तैलीय स्वरूप की होती है, जो एक सिंगल स्टेम पर चारों ओर अल्टरनेट पोजिशन में विकसित होती है। और साथ में इन पत्तियों से कुछ प्रोसेस के तहत जो तेल निकाला जाता है, उस तेल को पेस्टिसाइड्स या फिर कीटकनाशकों का प्रभाव बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। और साथ में इत्र और साबुन बनाने की प्रक्रिया में भी इसके तेल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस बॉटल ब्रश के मैच्योर पेड़ों पर मोस्टली समर सीजन के दौरान या फिर लेट स्प्रिंग में फ्लावरिंग होती है। ब्रश जैसी सिमिलरिटी में सफ़ेद फ्लावर्स शाखाओं के अंतिम छोर पर यह पेड़ प्रोड्यूस करता है। हालांकि अभी इस पेड़ पर कोई फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग के दौरान शहद चूसने के लिए मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज और शहद चूसने वाले पक्षी इन फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं। दोस्तों, इस गोल्डन बॉटल ब्रश की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पेड़ प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे सर्वाइव करते हैं। और साथ में इनका सुंदर गोल्डन कलर का फॉलेज पैटर्न पूर्ण सूरज की रोशनी के बिना खिल नहीं उठता। प्राकृतिक वातावरण के बिग एवेन्यू ट्रीज की श्रृंखला के यह पेड़ है। सनलाइट के अभाव के कारण छायादार जगह में इनकी पत्तियों का गोल्डन कलर हरा होने लगता है। इसलिए इस गोल्डन बॉटल ब्रश का सुंदर पर्ण समूह और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इस पौधे को हमें फुल सनलाइट के नीचे ग्रो करना है। और साल भर के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में इन पौधों के लिए हमारे घर के साइड का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए। हमारे प्लांट गैलरी में इन पौधों को पॉट्स या कंटेनरों के साथ सीधे आउटडोर गार्डन में भी पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे ग्रो करना है। दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण में हाइट में लगभग 10 से 15 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ने वाले यह एवेन्यू ट्रीज है। इस गोल्डन बॉटल ब्रश की जंगली किस्म प्राकृतिक वातावरण में कभी कभी न्यूट्रिशन स्थिति अनुसार 20 से 25 मीटर तक की ऊंचाई तक भी बढ़ते पाए जाते हैं, लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में आउटडोर गार्डन में एवरेजली 4 से 5 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ने वाले यह पेड़ पाए जाते हैं। साथ में इस गोल्डन बॉटल ब्रश के जंगली किस्म के अलावा अब कुछ क्रॉस वराइटीज भी विकसित की गई है, जैसे कि क्रांति गोल्ड या फिर रेवोल्यूशन गोल्ड। हमारी प्लांट गैलरी में महज 2 से 2.5 मीटर तक बढ़ने वाली इसकी गोल्डन जेम नाम की एक बहुनी किस्म भी आती है, जिसे हम हमारी प्लांट गैलरी का वातावरण और जगह के अनुकूलता के अनुसार ग्रो कर सकते हैं। साथ में यह गोल्डन बॉटल ब्रश का पेड़ जब एक परिपक्व आकार में बढ़ता है, तब इसका फॉलेज पैटर्न थोड़ा सा गोल्डन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बन जाता है। प्राइमरी स्टेज में पौधा पूरी तरह से गोल्डन कलर का होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ एक मैच्योर स्टेज में गोल्डन ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन रहता है। दोस्तों, इस गोल्डन बॉटल ब्रश की सॉइल रिक्वायरमेंट के बारे में देखा जाए तो यह पौधा सभी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी में अच्छी तरह से पनपता है, लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में हम जब इसे ग्रो करते हैं, तब 1 पार्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बेस मेंटेन करते हुए इसकी मिट्टी हमें वेलड्रेन बनानी है। मुख्य रूप से यह पौधे बिग एवेन्यू ट्रीज की श्रृंखला में आने के कारण हम हमारी प्लांट गैलरी में छोटे पॉट्स में बहुत समय तक ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन गार्डन के खुली जगह के अभाव के कारण बड़े साइज के कंटेनरों में हम इन पौधों को स्मॉल ट्रीज के रूप में कुछ सालों तक ग्रो कर सकते हैं।
लेकिन इन पौधों का फाउंडेशन और इनका मूल देखा जाए तो इन पौधों के लिए आउटडोर गार्डन की जगह काफ़ी प्रॉपर जगह होती है। लेकिन गार्डन की खुली जगह के अभाव के कारण हमारी छोटी सी प्लांट गैलरी में भी पॉट्स या कंटेनरों में इनकी मिट्टी में एक ऑर्गेनिक बेस मेंटेन करने के साथ बीच बीच में नत्र स्पुरद और पालस जैसे खाद्य आपूर्ति के साथ इन पौधों को एक बड़े पीरियड तक हम हमारे प्लांट गैलरी में ग्रो कर सकते हैं और साथ में मन चाहे आकार में इनकी प्रूनिंग करके इनकी ग्रोथ को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। इन पौधों की वाटरिंग नीड भी मीडियम कैटेगरी में आती है। आउटडोर गार्डन में इनकी जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक फैल जाती है और प्राकृतिक में यह पेड़ स्वयं पानी की आपूर्ति करता है। लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में जो पौधे हमने पॉट्स या कंटेनरों में लगाए हैं उस पॉट्स या कंटेनरों की मिट्टी की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें इन पौधों को वाटरिंग करनी है। खासकर पॉट्स या कंटेनरों के पौधों के लिए गर्मियों के दिनों में इनकी जड़ों के पास सूखी पत्तियां या फिर काड़ी कोटा जैसा जैविक मल्चिंग करते हैं तो गर्म तापमान की वजह से मिट्टी से होने वाला पानी का बाष्पीभवन रेशो काफ़ी कम हो जाता है और जड़ों के पास मिट्टी में हमेशा एक आदर्श नमी बनी रहती है। दोस्तों, सजावट के तौर पर देखा जाए तो इन पेड़ की पत्तियों का उपयोग फ्लावर्स डेकोरेशन में या फिर गुलदस्तों में सजावट के तौर पर किया जाता है। लैंडस्केपिंग पर्पस में इस बॉटल ब्रश के पौधों को हम बॉर्डर पर या फिर हेजेस के रूप में ग्रो कर सकते हैं। साथ में हमारे पास अगर फार्म हाउसेस जैसी या फिर गार्डन की बड़ी जगह है तो इन पेड़ों को बिग एवेन्यू ट्रीज के रूप में भी हम ग्रो कर सकते हैं। लॉन के बॉर्डर पर यह पौधे एक कॉम्पैक्ट ट्रिमिंग या कटिंग के साथ बहुत अच्छा लैंडस्केपिंग लुक देते हैं। लॉन की ग्रीनरी और इनकी पत्तियों का गोल्डन फॉलेज पैटर्न हमारे गार्डन के परिदृश्य में एक अलग ही ब्यूटी क्रिएट करता है और साथ में इस बॉटल ब्रश के पौधे से एक अच्छा बोनसाई पौधा या फिर एक अच्छा बोनसाई पेड़ भी बनाया जा सकता है। इन पेड़ों की छाल इस तरह भूरे रंग की होती है और इन पेड़ों की लकड़ी भी काफ़ी टिकाऊ होने के कारण घरों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है और साथ में इन पेड़ों के पत्तियों के इंटरनल संरचना में कीटनाशकों को प्रभावित करने जैसे रासायनिक तत्व होने के कारण इन पेड़ों पर कोई भी हार्मफुल डिजीज नहीं देखी जाती। दोस्तों, इस गोल्डन बॉटल ब्रश का प्रोपगेशन इनके बीजों द्वारा या फिर इनकी सॉफ्ट ब्रांचेस से किया जाता है। लेकिन बीजों से इन पौधों को प्रोपगेट करने के लिए हमारे आसपास के एरिया में इस गोल्डन बॉटल ब्रश का एक मैच्योर मदर प्लांट होना चाहिए जिससे हम इनके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं और साथ में लोकल नर्सरीज में भी मानसून के दौरान इनके बेबी प्लांट सेलिंग के लिए आते हैं। बस नर्सरीज से पौधे खरीदते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि इनके बेबी प्लांट्स की जड़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना की गई हो जिससे हमारे प्लांट गैलरी में प्लांटेशन के बाद पौधे सूखने लगते हैं। दोस्तों, हमारे आउटडोर गार्डन में यह गोल्डन बॉटल ब्रश के पेड़ इनके सुंदर सुनहरे पर्ण समूह के साथ कई सालों तक हमारे साथ रहते हैं और इसलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इस गोल्डन बॉटल ब्रश के परिपक्व और पुराने मैच्योर पेड़ को गोल्डन ओल्डी या फिर सुनहरा बूढ़ा इस नाम से बुलाते हैं और यह सुनहरा बूढ़ा शब्द हम इंसानों का और पेड़ पौधों का सहजीवन दर्शाता है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।